नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नेपाल की पोखरा में रविवार को येती एयर का यात्री विमान क्रैश हो गया है। ये विमान काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना हुआ था और लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स हैं। जो विमान क्रैश हुआ है वे 9NANC ATR 72 था। प्लेन को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। कंपनी के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तुला ने कहा है कि प्लेन क्रैश की वजह से लगी आग को बुझाने के सभी प्रयास जारी हैं। हादसे के बाद प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो गया। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि इस दुर्घटना में शायद ही कोई जीवित बचा हो। जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी काफी डरावने हैं। इन्हें देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्रैश कितना भयानक रहा होगा। बताया जा रहा है कि अभी तक 30 शव निकाले जा चुके हैं। सरकार की तरफ से दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। नेपाल की मीडिया की माने तो देश में इस तरह के प्लेन क्रैश सामान्य बात है। न सिर्फ घरेलू बल्कि कई बार विदेशी फ्लाइट्स भी हादसे का शिकार हुई हैं। इन हादसों में सैकड़ों लोगों की जान गई है। हाल ही के कई वर्षों में नेपाल कई खतरनाक विमान हादसों का गवाह रहा है। पिछले 30 सालों में नेपाल में 30 ऐसे क्रैश हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है। मई 2022 में नेपाल के पोखरा में ही तारा एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी।